मैं इसी को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट का हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, और फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फॉलोअर की वेलोसिटी कितनी होगी। इसके बाद एसीलरेशन, और यहाँ पर हम वेलोसिटी और एसीलरेशन जो डायग्राम है उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब फॉलोअर, यहाँ पर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। जो हमारा एस है वो फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट है, एच हमारा मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स एच की जो वैल्यू होगी वो हमारी ये होगी, ये आपका एच है मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर, एफ इज द एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलोअर, थीटा इज द कैम रोटेशन एंगल, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर थीटा हमारा क्या है, कैम रोटेशन एंगल है, और फाई हमारा कैम रोटेशन एंगल है, फाई हमारा कैम रोटेशन एंगल है जब फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी होगी, एच होगी मैक्सिमम होगी। तो हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर कैम रोटेशन एंगल में जब आपका थीटा कैम रोटेशन या कैम आपका थीटा एंगल जब आपका रोटेट कर रहा है, उस समय हमें फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, जब आपका फॉलोअर डिस्प्ले, जब हमारा कैम थीटा एंगल रोटेट कर रहा है, तो उस समय जो ये सेमी हार्मोनिक जो सेमी सर्कल है, वो जो एंगल मूव कर रहा है वो हमारा कितना है, बीटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। टोटल फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, एच है। अब हम यहाँ पर बात करें तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट एच है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी एच बाई टू होगी। ये जो रेडियस दिख रही है आपको, ये एच बाई टू होगी, और चूंकि ये सेमी सर्कल है तो सभी की रेडियस क्या होगी, सेम होगी, मीन्स ये लेंथ आपकी एच बाई टू होगी। अगर इस डिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो ये होगी हमारी एच बाई टू कॉस बीटा, जो हमारी फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट होगी जब हमारा कैम थीटा एंगल रोटेट हो रहा है, उस समय किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एच बाई टू मीन्स ये लेंथ माइनस दिस लेंथ वो रिप्रेजेंट करेगा फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट एस। तो फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एच बाई टू माइनस एच बाई टू कॉस बीटा। फिर से देख लीजिए, जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कैम हमारा थीटा एंगल रोटेट हो रहा है, उस समय हमें फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और उस समय जो आपका सेमी सर्कल का एंगल है कितना है हमारा, बीटा है। मीन्स इस एंगल पर जो फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यू हुई एस की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना है, और इस समय जो कैम रोटेशन एंगल है वो कितना है हमारा, थीटा है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक एच बाई टू, उसमें से एच बाई टू कॉस बीटा को क्या कर देंगे हम, रिड्यूस कर देंगे, तो हमें फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एस इक्वल टू एच बाई टू का कॉमन ले लीजिए, वन माइनस कॉस बीटा। अब यहाँ पर जो हमारा एंगल मेंशन होता है, कैम रोटेशन एंगल जो आपका मेंशन होता है, थीटा और फाई के टर्म में मेंशन होता है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका सेमी सर्कल एंगल है बीटा, उसको रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब हमारा फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट एच होगा, ठीक है, उस समय जो हमारा सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल का जो एंगल मूव होगा वो आपका पाई होगा, और जो हमारा कैम रोटेट करेगा वो एंगल कितना रोटेट करेगा, फाई रोटेट करेगा। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा, जब हमारा हार्मोनिक्स कैम रोटेशन एंगल जब आपका फाई रोटेट होगा, उस समय जो हमारा सेमी सर्कल का एंगल है वो कितना होगा आपका, पाई होगा।
तो आप इसको इस टर्म से भी समझ। और दूसरे केस में जब हमारा एंगल थीटा मूव हो रहा है उस समय जो सेमी सर्कल एंगल है वो कितना बना रहा है आपका, बीटा बना रहा है। तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी लगाएंगे और क्या लगाएंगे, पाई नीचे कर देता हूँ मैं इस जगह, पाई डिवाइड बाई सेमी सर्कल का एंगल जब पाई है तो कैम रोटेशन एंगल हमारा कितना है, फाई है, इक्वल टू सेमी सर्कल का एंगल जब आपका बीटा है उस समय कैम का रोटेशन एंगल कितना हमारा, थीटा है। सो हेयर बीटा की एंगल, बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले कितना होगा, पाई थीटा डिवाइड बाई फाई, और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे उसको हम। सो एस इक्वल टू एच बाई टू वन माइनस कॉस पाई थीटा डिवाइड बाई फाई, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कैम रूट ओमेगा इंटू टी। इस इक्वेशन के बाद आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो जो वेलोसिटी आपकी कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी एच बाई टू पाई ओमेगा डिवाइड बाई फाई साइन पाई थीटा डिवाइड बाई फाई। वेलोसिटी जो हमारी मैक्सिमम होगी वो होगी आपकी जब थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा, फाइव बाई टू, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा, फाइव बाई टू। तो उस समय हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम की जो आपकी वैल्यू आएगी एच बाई टू पाई ओमेगा डिवाइड बाई फाइव। अब देखिए जो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है, जब हमारा थीटा इक्वल टू कितना हो, फाइव बाई टू हो, मीन्स इस हाफ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी। और जो कर्व होगा वो किसका कर्व आएगा हमारा, जो फंक्शन है वो आपका किसका है, साइन का फंक्शन है, तो कौन सा कर्व आएगा हमारा, साइन करवाएगा। और वेलोसिटी किस तरीके से आए, ड्यूल में हमारा कांस्टेंट रहेगा स्ट्रेट लाइन, और रिटर्न के लिए बन जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल में कैम रोटेशन एंगल एंड वर्टिकल में आपका वेलोसिटी। इसके बाद हम वेलोसिटी को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमारा वी का वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, एसिलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जो आपकी एसिलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एच बाई टू पाई ओमेगा डिवाइड बाई फाई का होल स्क्वायर कॉस पाई इंटू थीटा डिवाइड बाई फाई। और ये जो आपका मैक्सिमम होगा एसिलरेशन कब होगा, जब हमारा थीटा इक्वल टू कितना हो, जीरो हो, तो एसिलरेशन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, एच बाई टू पाई ओमेगा डिवाइड बाई फाई का होल स्क्वायर, और ये कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो आपका, जीरो हो। और कौन सा कर्व आएगा हमारा, कॉस कर्व आएगा। सो थीटा इक्वल टू जीरो पर तो ये क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, एंड मिडिल पर क्या होगा, ये आपका जीरो होगा। सो जो आपका एक्सीलरेशन डायग्राम बनेगा कॉस कर्व है, तो जीरो पर मैक्सिमम
यहाँ पर जीरो अगेन रिटर्न में। अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो इस टाइप से आ जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल में कैम रोटेशन एंगल, और वर्टिकल में आपका एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो आपका चाहिए, जब भी हम इसके कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमें फॉलोवर वेलोसिटी एंड फॉलोवर का जो एक्सीलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करनी होती है। तो फॉलोवर वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड फॉलोवर का जो एक्सीलरेशन है वो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें कैलकुलेट करना होगा। सो आज का ये फॉलोअर मोशन प्रोग्राम, फर्स्ट आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन यहीं पर फिनिश होता है।